कुछ लोग ये कहते हैं कि इस चीज़ की ना हमें आदत पड़ी हुई है और वो आदत हमसे छूटती नहीं, चाहे कितनी भी कोशिश कर लें। ऐसा कुछ नहीं होता है। पहले आपको उस आदत को छुड़ाने के लिए अपने मन को तैयार करना होता है और उसके लिए एक दृढ़ फैसला लेने की ज़रूरत होती है। जब आप दृढ़ फैसला ले लेते हो, अपने मन को पूरी तरह तैयार कर लेते हो, तो ऐसी आदत कोई भी नहीं है जिसे आप छुड़ा नहीं सकते हो। तो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपके प्यार और आशीर्वाद से हम सब भी यहाँ पे ठीक हैं। तो ये है मेरा संडे स्पेशल व्लॉग। इसमें आज संडे है तो सुबह बच्चे सब सो रहे थे तो मैं भी लेट उठी थी और सुबह ना बारिश भी बहुत तेज़ हो रही थी, रात से बारिश लगी हुई है। और यहाँ पे आज मैं संडे में बना रही हूँ सुबह उठ के आलू के पराठे। सुबह मैंने आलू चढ़ा दिए थे और उनका मसाला भी तैयार कर लिया है। तो अब मैं फटाफट यहाँ पे आलू के पराठे बना रही हूँ। तो हस्बैंड भी उठ गए थे साथ साथ, फिर मैंने इनको बोला कि आप चाय बना लीजिए। और बच्चे भी आज ना कोई गेस्ट आए हुए थे हमारे घर, तो उनके बच्चे भी हैं, वो कहीं गए हुए हैं बाहर, का नाश्ता बनाना है। तो मैंने सोचा पहले सुबह उठ के नाश्ता बना लूँ। सुबह वैसे भी लेट ही उठी थी मैं, 6 बजे उठी तो किचन में घुसते घुसते 6:30 हो गए, फिर आलू उबाले उसमें भी टाइम लग गया, तो अभी 7:30 हो चुके हैं। तो मैं यहाँ पे फटाफट लगी हुई नाश्ता बनाने में और हस्बैंड लगे हुए हैं अपनी चाय बनाने में, और फिर उसके बाद हम यहाँ पे खड़ा करेंगे बच्चों को नाश्ता करने के लिए। वैसे पराठे बनाने का मैं कई दिनों से सोच रही थी, कई दिनों से पराठे नहीं बनाए हमें, हमने कम से कम 1-1.5 महीना हो गया, क्योंकि गर्मी बहुत थी। पराठे खाते थे ना तो उसमें ये लगता था कि बस प्यास ही लग रही है, प्यास ही लग रही है, और पेट ऐसे अफर सा जाता था, कुछ और खाने का मन नहीं करता था। तो अजीब सी फीलिंग होती थी, जैसे एक वो नहीं होता है कि खुश्की सी हो जाती है, बस पानी पिए जाओ पानी पिए जाओ, तो वो वाली हालत हो जाती थी गर्मी में। तो आज सुबह उठी तो मौसम मुझे अच्छा लगा, तो मैंने सोचा आज बना ही लूँ पराठे। बच्चों को भी फेवरेट हैं ये, भी थोड़ा ढंग का नाश्ता कर लेते हैं, तो इसलिए मैंने सुबह पराठे बनाने शुरू कर दिए हैं। ये सब लगे हुए हैं यहाँ नाश्ता करने में। ये छोटा संजय कढ़ाई बैठा है, मत करो। और ऊपर सारा ये देखिए धुआं भर गया है। देखिए श्रीनगढ़ फोन मांग रहे हैं। तो मेरा नाश्ता बनके हो चुका है तैयार, तो अब मैं भी जा रही हूँ अपना नाश्ता करने। तो मैंने भी अपना नाश्ता कर लिया है यहाँ पे और अब मैं बनाने जा रही हूँ सब्जी। एक्चुअली ना सुबह मैंने थोड़े ज़्यादा आलू उबाल दिए थे, तो मैंने सोचा आधे आलू के मैं पराठे बना लूँगी, और आधे आलू का झोल नहीं बनता है जो हींग डाल के जीरा डाल के, और बहुत टेस्टी लगता है, पूरी वाला झोल होता है जो, मैंने सोचा वो बना दूँगी। तो इसलिए मैं अब आधे बचे हुए आलुओं का यहाँ पर आलू का झोल बना रही हूँ, और साइड में बना रही हूँ पोहा, जो कि मैंने आपको बताया था कि गेस्ट आए हुए हैं। तो एक बच्चे को ना वॉमिटिंग हो रही थी, रात को 2-3 बार वॉमिटिंग करी, तो पराठे उसके लिए हैवी हो जाते, तो इसके लिए मैंने सोचा थोड़ा सा पोहा बना देती हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे साइड में पोहा बना रही हूँ। तो एक साइड मैंने पोहा चढ़ा रखा है, दूसरी साइड में आलू की सब्जी बनाने में लगी हुई हूँ। और बात सबसे बड़ी बात यह है कि कल रात से ना हमारी लाइट नहीं है, और मुझे ये डर है कि कहीं इन्वर्टर ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि रात को हम हस्बैंड अलग कमरे में सोए थे और मैं और बच्चों के साथ, क्योंकि वो ना अपना लैपटॉप पे काम करते रहते हैं तो वहीं सो जाते हैं, और मैं बच्चों के साथ अलग सोई थी। 2 पंखे चलते रहे और उनके कमरे की लाइट और लैपटॉप भी वो चार्जिंग लगा के बैठे रहे, तो अब मुझे डाउट है कि इन्वर्टर ख़त्म होने वाला है शायद। तो इसलिए मैं यहाँ पे फटाफट मैंने सोचा सब्जी तो बना ही दूँ, क्योंकि हमारे किचन में ना कहीं से भी रोशनी नहीं आती है। ये जो दूसरी दीवार होती है ना, जहाँ जिस तरफ कोई विंडो नहीं होती, उस तरफ का है हमारा किचन, तो यहाँ पे बिना लाइट के बिल्कुल अंधेरा होता है। तो मैंने तो ये देखिए, ये मेरे किचन का हाल हो गया है, और अब मुझे करनी है इसकी सफाई, और इन्वर्टर हमारा होने वाला है ख़त्म, तो फटाफट पहले मैं रसोई साफ़ कर लेती हूँ। तो अब हमारी लाइट, जैसे कि मैंने सुबह बताया था कि हमारी लाइट नहीं आ रही थी रात से, और इन्वर्टर भी ख़त्म हो गया था, तो मैंने जैसे तैसे करके झाड़ू पोछा किया, फिर उसके बाद लाइट आ गई थी। फिर लाइट आते ही मैंने फटाफट मशीन लगा दी, और ये देखिए सारे कपड़े और ये बेड की चादरें वगैरह सब कुछ मैंने धो डाली। ये देखिए मैंने सारे कपड़े और बेड की चादरें, जैसे कि मैंने कल की वीडियो में बताया था कि मैं संडे को धोती हूँ, तो ये बेड की चादरें वगैरह सब कुछ धो दी मैंने। और बारिश का हाल मैं दिखाती हूँ आपको, अभी भी लगी हुई है हल्के हल्के बारिश, वीडियो में दिख नहीं रही है, बूंदाबांदी स्टार्ट है। और ये देखिए पार्क पूरा पानी से भर गया है,
ये देखिए सामने वाले पार्क का भी यही हाल हो रहा है, बिल्कुल पानी से फुल हो रहा है ये। देखिए मतलब कि कल रात शाम से ही बारिश लगी हुई है बहुत तेज। तो अब मैंने इनकी पढ़ाई शुरू करवा दी है क्योंकि इनके ना कल से एग्जाम शुरू हो रहे हैं हाफ ईयरली। कल कौन सा एग्जाम है रातिया? आर्ट का है, जीके का है। आर्ट और जीके? तो अभी क्या लर्न कर रही है? जीके। हो गई? नहीं, दो चैप्टर बचे। अच्छे से ना लर्न होने चाहिए, कल एग्जाम है और आर्ट की भी तैयारी करनी है। वो कौन सी ड्राइंग कह रही थी तुम? वाली आर्ट। वाली आर्ट पता चल गई क्या है? आज थी है वो है? थोड़ी बहुत क्या, प्रैक्टिस कर पहले, ये लर्न कर जीके का। और एक सीनरी। हाँ सीनरी भी बना ले। और बटरफ्लाई विद बैकग्राउंड। ये जीके तो लर्न कर पहले, तो जीके का होगा उसके बाद आर्ट का करियो, ठीक है? और शिवाय का भी आर्ट का है, उसको भी प्रैक्टिस करवानी है। शिवाय कर ली प्रैक्टिस? क्या कर रहा है अंदर से बैठ के? हैं अपने आप थोड़ा ना आ गया, तूने डाला होगा मुंह में तभी आ गया हो। हाँ हाँ ओके दबा। और पीहू आपके एग्जाम कब से स्टार्ट हो रहे हैं? 14 पीहू के 14 को स्टार्ट हो रहे हैं। एक बार तो अभी मैं थोड़ी देर पहले इनको पढ़ा लेती हूँ, उसके बाद मुझे बनाना है खाना। तो बच्चों को पढ़ाने के बाद मैं दोबारा से आ गई हूँ किचन में दोपहर का लंच बनाने के लिए। तो लंच में यहाँ पे मैंने सुबह आलू की सब्ज़ी तो बना ही दी थी और साथ में बच्चे कह रहे थे हमें ना राइस खाने हैं, फ्राइड राइस या नमकीन राइस जिनको बोलते हैं वो खाने हैं हमें। आराध्या तो कल से ही कह रही है वो कि मुझे राइस खाने, तो शाम को कल मैंने बनाए नहीं थे क्योंकि बारिश हो रही थी, ठंडा मौसम भी हो रहा था और आटा मैंने ना दोपहर को ज़्यादा मार दिया था तो वो भी रखा हुआ था। मैंने सोचा अगर मैं चावल बना लूँगी तो फिर वो आटा वेस्ट हो जाएगा, तो इसलिए मैंने कल नहीं बनाए। मैंने इसको बोला था कि कल बना दूंगी मैं। तो यहाँ पे मैं बच्चों के लिए चावल चढ़ा रही हूँ और आलू की सब्ज़ी बनी हुई है, उसके बाद मुझे यहाँ पे बनानी है रोटी उनके लिए। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि जब हम चावल बनाते हैं, चावल धोते हैं, तो कच्चे चावल की फक्की कौन मारता है, मतलब कच्चे चावल कौन खाता है? मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं कच्चे चावल खाने। और यहाँ पे ना सुबह मेरे से गड़बड़ हो गई, सुबह ना जैसे रात से लाइट नहीं थी तो फ्रिज में ठंडक नहीं थी, तो मैंने आटा मारा और मैंने सोचा आटा ना फ्रिजर में जो बर्फ जिसमें बर्फ जमती है ना उसमें थोड़ा हल्की फुल्की ठंडक थी, मैंने सोचा यहाँ रख दूँ, नीचे रखूँगी तो पिघल जाएगा या ख़राब भी हो सकता है, तो इसलिए मैंने ऊपर रख दिया। और लाइट आ गई 10 बजे और मैं उसे वहां से निकालना भूल गई और आटा बिल्कुल टाइट हो गया है यहाँ पे, तो मैंने इसे निकाल के थोड़ी देर बाहर रख दिया। मैंने कहा थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा फिर इसकी रोटी इतने रोटी बनाने का टाइम आएगा तब तक ये सॉफ्ट हो जाएगा। तो इसमें साइडों से बर्फ भी जमी हुई थी और यहाँ पे बच्चे ना बार बार आके देख रहे हैं कि वीडियो बन रही है, वीडियो बन रही है, आके देख के चले जाते हैं। और यहाँ पे मैं चावलों में ना मैगी मसाला मेरा बहुत फेवरेट है, जो कुछ भी बनाती हूँ मैं, ओट्स हो, राइस हो, या कोई तरी वाली सब्जी हो या कुछ भी हो, उसमें मैगी मसाला ज़रूर डालती हूँ क्योंकि उसमें ना सब्ज़ी बहुत टेस्टी हो जाती है। और जब मैं चावल बनाती हूँ तो जैसे पानी डालते हैं ना तो उसमें नमक मिर्च जो भी है साथ के साथ टेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि बनने के बाद नमक डालो ना तो वो टेस्ट नहीं आता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर पहले चेक कर लेती हूँ कि नमक मिर्च कुछ कम है तो उसमें हाथ क्या डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मेरा आटा भी सॉफ्ट हो गया है और अब मैं बनाने जा रही हूँ रोटी। रोटी ज़्यादा नहीं बनेंगी, थोड़ी बहुत बनेंगी क्योंकि बच्चे चावल खा लेंगे और मैं भी चावल खा लूँगी, सिर्फ पापा और इनके लिए 7-8 रोटी बनानी है, बस यही लोग खाएंगे रोटी और हम सब यहाँ पे खा लेंगे चावल। तो ये देखिए ये हमारा खाना बनके हो चुका है तैयार, हम सब मिलके यहाँ पे खाना खा रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया था मुझे चावलों के साथ अचार खाना भी बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने अचार लिया है। तो ये था मेरा संडे का स्पेशल ब्लॉग। और मैं ना जब हम खाना खा रहे थे तो उसमें मैंने यूट्यूब पे OMG मूवी लगा दी थी, तो वो भी हमने पूरी देख ली। जिस दिन छुट्टी होती है तो कुछ ना कुछ मैं मतलब या तो कोई मूवी देखती हूँ
पे ही नेट लगा हुआ है, तो या मतलब डिज्नी प्लस हॉट स्टार भी है तो उसमें या तो कोई मूवी देखती हूँ या कोई वेब सीरीज देखती हूँ। मतलब छुट्टी वाले दिन तो ये चीज़ मैं ज़रूर करती हूँ। और जो मेरे फेवरेट सीरियल होते हैं जो बीच बीच में नहीं देख पाती हूँ वो भी मैं पूरा देख लेती हूँ, और बाकी के जो थोड़े बहुत पेंडिंग काम होते हैं वो भी कंप्लीट कर लेती हूँ। तो आज इतना कुछ नहीं हो पाया क्योंकि सुबह से बारिश लगी हुई थी और सुबह से लाइट भी नहीं थी। लाइट आई मतलब लेट आई, तो जैसे सुबह होती लाइट तो कपड़े वगैरह सुबह ही धुल जाते हैं, तो लाइट आई 10:30-11 बजे के आसपास, जैसे ही मैं काम करके हटी। फिर उसके बाद मशीन लगाई, मैंने कपड़े धोए तो 12 बज गए, फिर खाना वाना बनाया, बस एक मूवी देखी, बाकी एक कुर्ता है उसको तुरपाई करनी है मुझे, अब मैं शाम को करूँगी। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बाय माय यूट्यूब फैमिली, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग के साथ।